मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी है। इस केस में अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सूरत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस संघर्ष में मेरा सत्य अस्त्र है और मेरा सत्य ही मेरा आसरा। वहीं राहुल गांधी की जमानत पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सूरमा नहीं विचलित होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को 2019 के मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील की। इस दौरान राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी संख्या में दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, सूरत और भरूच में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद सूरत और भरूच में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।